अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है गाइस। अच्छा यार, आज मैंने वीडियो में बताना था कि यार देखो, तुम लोगों के सामने मैंने अपने चैनल के एनालिटिक्स रखे हुए हैं, और इसमें मैं तुम लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जस्ट इन मतलब कि कुछ वीडियोस मैंने बनाई हैं, कुछ वीडियोस ही मैंने बनाई हैं, और इट्स बीन लाइक 100 आवर्स वॉच टाइम हैव बीन क्रॉस्ड। तो यार सबसे पहले तो आई एम गोइंग टू थैंक यू ऑल फॉर द सपोर्ट एंड फॉर बीइंग एंगेजिंग विद मी, क्योंकि क्या कहते हैं, ऑब्वियस बात है, किसी के लिए आज के दौर में टाइम निकालना है समथिंग लाइक मोर देन मनी। तो यार यहाँ पे बात ये नहीं थी कि मैं तुम लोगों को अपना कोई चैनल दिखाऊँ, ना मेरे पास चैनल में कोई इतनी बड़ा चीज़ है, और ना मैं तुम लोगों के सामने कोई गुरु दिखाने आया हूँ। द थिंग हेयर इज लाइक तुम लोगों से ना टॉपिक डिस्कस करना है, एक बात डिस्कस करनी है, नॉट लाइक आई एम नॉट हेयर लाइक टू शो ऑफ या फिर ऐसा कोई सीन नहीं है। जस्ट तुम लोगों से एक बात करनी है, वो ये कि यार हम लोग ना क्या कहते हैं, बड़ी एक बंदा था मेरे टीचर, उस्ताद है वो मेरे, वो बात क्या करते थे अक्सर कि हम लोग ना हमेशा डेस्टिनेशन को ना खुशी का मरकज बना लेते हैं। यानी कि अगर हम फॉर एग्जांपल सोचते हैं, जैसे तुम में से अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है, वो ये सोचेगा उसने खुशी को जोड़ लिया है डेस्टिनेशन के साथ, जिस तरह की अगर डिग्री हो जाती है, अगर ये कोर्स पूरा हो जाता है, अगर ये सर्टिफिकेट मिल जाता है, तो उसने अपनी खुशी को जोड़ लिया है अपने एंड रिजल्ट्स के साथ। तो इसका एक तो नुकसान ये है कि एंड रिजल्ट्स आर नॉट लाइक कमिंग फास्ट, लाइक आहिस्ता आहिस्ता ही बंदा मेहनत करता है, हर्डल्स देखता है, और एट द एंड रिजल्ट्स आइदर फेल और पास जो भी सीन है, लेकिन अपनी खुशी को उसने उसका जोड़ा होता है कि अगर हाँ मैं पास हो गया तो ठीक है, खुश हो जाऊंगा, अगर नाराज हो गया तो ठीक है, डिप्रेशन में चले जाऊंगा, दोबारा ट्राई करूंगा, इस तरह। और नॉर्मली यही होता है हम लोगों के दरमियान, नॉर्मली यही होता है कि क्या कहते हैं, हम लोग ये नहीं देखते कि क्या कहते हैं, हम लोग चल किस तरह रहे हैं, हम लोग सिर्फ अपनी खुशी को एंड रिजल्ट के साथ जोड़ लेते हैं। लेकिन यार मेरा यहाँ मानना ये है, जैसे अब मैं एक टीचर हूँ, मेरा फिलहाल शोभा जो चल रहा है, जो करंट शोभा, जो एक्टिव शोभा जो चल रहा है, प्रोफेशन चल रहा है, वो टीचिंग है। तो अगर मैं इस चीज से अपनी खुशी को जोड़ लूँ कि मेरे सिर्फ स्टूडेंट्स पास होंगे तो खुश होऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा मैं, पढ़ाते हुए मैं फुल टेंशन में रहूंगा, अगर मैं सिर्फ अपनी खुशी को इस चीज से जोड़ लूँ कि मेरे स्टूडेंट्स पास होंगे तो खुश होऊंगा, ठीक है। अब दूसरी साइड पे आओ, जो बात समझाना चाह रहे, अगर हम अपनी इन्हीं खुशी को जिनको हम डेस्टिनेशन यानी एंड रिजल्ट्स के साथ जोड़ लेते हैं, क्या हम उनको अपनी उन खुशियों को अपने रूट के साथ नहीं जोड़ सकते? क्या हम उसी खुशी को अपने कह लो के रास्ते के साथ ही जोड़ सकते हैं जो डेस्टिनेशन की तरफ जा रहा है? जैसे एक एग्जाम्पल सुनो कि मैं अगर तुम लोगों को पढ़ाता हूँ, अगर मैं वाहिद वाहिद सिर्फ मेरा यही मकसद है और कि मैं खुश तब होऊंगा कि मेरे स्टूडेंट्स पास होंगे, ये ज्यादा अच्छी बात है, या मैं रोज का लेक्चर इंजॉय करूं, खुशी से पढ़ाऊं, अपने लेक्चर्स अपने रोज के रूट से खुशी निकालूं? और वो किस तरह निकल सकती है? अगर जैसे जो इंटरेस्ट वाले टीचर्स होते हैं, अगर मेरी वीडियो को देखे तो इंटरेस्ट से जो भी काम कर रहा होता है तो उसे खुशी मिल रही होती है। तो बेटर गो फॉर द रूट, फॉर दैट रूट जो तुम्हें खुशी दे। जब रूट यानी कि जब तुम्हारा ट्रैक तुम्हें खुशी देने लग जाएगा ना, तो तुम डेस्टिनेशन अचीव कर ही लोगे। फिर इस चीज का रोला नहीं होता कि क्या कहते हैं, डेस्टिनेशन मिलेगी तो खुश होना है और नहीं तो उससे पहले टेंशन में रहना है। तो क्या कहते हैं यहाँ पे ये बात, इस वजह से अपने रस्तों को में से, अपने रस्ते में से खुशियां निकालो, अपने रस्तों में से खुशियां ढूंढो, ना कि अपने क्या कहते हैं डेस्टिनेशन को खुशी का मरकज बना लो। कि डेस्टिनेशन वो चीज है जो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती, लेकिन रास्ता वो चीज है जिसपे तुम हर वक्त चल रहे हो। तो अपने रास्तों में से खुशी निकालना सीखो, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहीं किसी जगह पे जाना है, किसी पॉइंट पे जाना है, ये बात मेरे उस्ताद ने भी की हुई है कि वॉक करनी है, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल वॉक करके एक पॉइंट पे जाना है, अगर मैं यही सोचता हूँ कि यार मैं कब पहुंचूंगा, जब पहुंचूंगा तब सेंस ऑफ अचीवमेंट यूज होगा, आएगा, सेंस ऑफ अचीवमेंट बढ़ेगा या खुशी होगी, इसकी नस्बत अगर मैं अपना रास्ता ही इंजॉय करने लग जाऊं, मतलब कि बाय लिसनिंग द जो भी आप लोगों को शौक है, क्या कहते हैं आपको, क्या कहते हैं सॉन्ग्स का शौक है आपको, कव्वालियों का शौक है आपको, नातों का शौक है, या जो आपको जो जिस लिहाज से भी आपका शौक है, आप उसको साथ साथ कंटिन्यू करते हुए वहां तक पहुंचो, तो आप अपने रास्ते को अपने ट्रैक में से खुशी निकालना सीखो,
जो रोजमर्रा में काम कर रहे हो उसमें से खुशी निकालना सीखो, जो भी काम में आप डेस्टिनेशन पे पहुंचाना चाहते हो उसके ट्रैक में से खुशी निकालना सीखो, खुद बहुत क्या होगा आप उस काम में इंटरेस्ट बना लोगे। ठीक है, जैसे मुझे देखा जाए, मुझे देखो, अगर मेरे जो स्टूडेंट खास तौर पर जो वीडियो देखे हैं वो तो इस बात को पक्का मानेंगे कि मैं क्लास के दौरान बहुत ज्यादा एक माहौल हमारा चल रहा होता है, पढ़ रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ हम मजाक भी कर रहे होते हैं, साथ साथ मेरी तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात जरूर होती है कि यार जिससे कोई मूड जो है वो रिफ्रेश हो जाए। उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन ये थोड़ी होती है कि मैं कोई वहां पे कोई मजाक करने आया हूँ, मैं उसमें से खुशी अपने लिए भी निकालता हूँ और मैं उसमें से खुशी आप लोगों के लिए भी निकालता हूँ, ताकि हम उस लेक्चर को भी इंजॉय कर पाए और एट लास्ट पेपर पास करें। ठीक है, तो अपनी वही बात आ गई थी, ये आपके सामने एनालिटिक्स रखने का, चैनल के ये रखने का। सबसे पहले तो आई वॉन्ट टू थैंक यू ऑल कि तुम लोगों ने मुझे टाइम दिया। नो डाउट कि ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन बात यही आ गई कि अगर मैं डेस्टिनेशन की तरफ ही सोचता रहूंगा कि हाँ यार मेरे अगर 1 लाख या 2 लाख या 5 लाख वॉच टाइम होता है या जितना भी हो वही सोचता रहूँ तो मैं किस तरह सोचूंगा। तो छोटी छोटी खुशियों से खुश होना सीखो, छोटे छोटे अचीवमेंट से खुश होना सीखो कि ना खुद तुम लोगों को बड़ी खुशियां, वो जब आपको बड़ी अचीवमेंट मिलेगी तो आप बहुत ज्यादा उसकी कदर करोगे। तो छोटी अचीवमेंट से सीखो। तो यहाँ पे देखो, आई एम लाइक, जब मैं यूट्यूब नहीं चला रहा था तो आई वॉज लाइक हैविंग 0 वॉच टाइम आवर्स, मेरे तो वॉच टाइम आवर्स थे ही नहीं। नाउ आई एम हैविंग 100+। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि नो डाउट इट्स नॉट बीइंग अ लॉन्ग गेम, बट देखो एक खुशी को मैंने जोड़ा हुआ है अपने हर छोटे छोटे पॉइंट के साथ कि हाँ 100 होंगे, 100 से 1000 होंगे, 1000 से 2000 होंगे, 4000 होंगे, फिर 1000 से 50,000+ बात जाएगी, फिर तो समझ लो बात को। तो अपने आप को छोटी छोटी खुशियों से बांध लो, यानी कि छोटी छोटी खुशियों से खुश होना सीखो, छोटी छोटी अचीवमेंट से खुश होना सीखो, खुद बहुत क्या कहते हैं तुम लोगों की लाइफ में बेहतरी भी आ जाएगी और एक सुकून, मेंटल सुकून आ जाएगा। बाकी यार अगेन थैंकिंग यू ऑल, सपोर्ट करते रहो भाई को और भाई के लिए दुआ करो, और भाई भी आप सबके लिए दुआ करो, अल्लाह पाक तमाम रसूल पाक की तमाम उम्मतों उम्मतियों को खुश रखे, आसानियां करे सबके लिए। और आजकल जिस तरह की बीमारियों की वबाए, मतलब कि वबा फैली हुई है बहुत अजीब अजीब किस्म की, अल्लाह पाक सबसे हमें हिफाजत में रखे अल्लाह पाक। और बाकी अपना ख्याल रखना, भाई को दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।